हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सिंपल एंड इजी इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप, और बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये मैंने मेकअप किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है द मॉम्सको का ये ग्रीन टी टोनर। नेक्स्ट यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम। इससे स्किन बहुत ही ग्लोई लगती है, तो मैं इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, और नेक्स्ट मैं यहाँ अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करूँगी। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वादी हर्बल्स का ये ब्लूबेरी लिप बाम, और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि के एलोवेरा जेल। नेक्स्ट यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ ये बायोटिक का फाउंडेशन। इसका शेड है सी शेल। ये मेरे स्किन से वन शेड लाइट दिखता है, पर ब्लेंड करने के बाद अच्छे से मैच हो जाता है। इसे मैंने फिंगर की मदद से अपने फेस पे अप्लाई किया है। अभी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है ये फाउंडेशन, और बहुत ही नेचुरल ग्लोई लुक देता है। देखा कितने इजीली ब्लेंड हो गया और स्किन पे अच्छे से मैच भी हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर। इसे मैं अपने अंडर आइज एरिया और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ अप्लाई करूँगी। इस कंसीलर को हमें जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी ड्राई हो जाता है, तो वही ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं ब्लेंड करूँगी कंसीलर। कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की लूज पाउडर। जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वही सिर्फ मैं अप्लाई करूँगी। आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। इसका शेड है ब्लैक। आईब्रो पेंसिल यूज़ करना बहुत ही आसान होता है और बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलिन हिल की ये आई शेडो पैलेट। ये लाइट ऑरेंज शेड मैं अपने ब्रश पे लूँगी और अपने क्रीज पे इसे अप्लाई करूँगी। बहुत ही टाइम लेके ब्लेंड करना है हमें इसे। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन शेड अप्लाई। नेक्स्ट यहाँ मैं ये लाइट ब्राउन कलर लूँगी और अपने क्रीज के नीचे वाले एरिया पे अप्लाई करूँगी और अपने आउटर वी पे। इस तरह से ब्लेंड करने से आईज़ के आउटर वी पे अच्छा सा एक विंग क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा विंग क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ मैंने अपने फिंगर की मदद से ये ब्राउन शेड लिया है और अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। शिमरी शेड फिंगर से अच्छे से अप्लाई हो जाता है। यहाँ मैंने लिया है स्टिफ ब्रश और ये दो ग्रीन कलर मैं मिक्स करूँगी और अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी, और वही ग्रीन कलर में अपने इनर कॉर्नर में भी अप्लाई करूँगी आईज़ के। और नेक्स्ट यहाँ मैंने ये कंसीलर लिया है और ये ग्रीन कलर में इसे अप्लाई कर रही हूँ ताकि शार्प एजेस आ जाए मेरे विंग पे। ये हैक बेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ लूँगी ब्लू हेवन का आईलाइनर और मैं बहुत ही पतला लाइनर ड्रॉ करूँगी और एक शार्प विंग ड्रॉ करूँगी। और मैं लाइनर को इनर कॉर्नर पे एक्सटेंड कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ये काजल। मैं अपने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर लूँगी, वन स्ट्रोक में अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा और अपने लैशेज को अच्छे से कोट कर लूँगी, अपर और लोअर लैशेज दोनों को कोट करूँगी। और लिपस्टिक के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ माइग्लैम की लिपस्टिक। इसका शेड नंबर है 18। ये बेस्ट न्यूड शेड है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की ये मिनी लिपस्टिक। इसका शेड है 10 स्टेटमेंट। ये दोनों शेड मिला के मैंने अप्लाई किया है और बहुत ही प्यारा शेड बना है। नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट से लूँगी रेड कलर और इसे एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी। उसी पैलेट से मैं लाइट ब्राउन कलर लूँगी और अपने फेस को कॉन्टर कर लूँगी, अपने चीक्स, चिन और नोज को कॉन्टर कर लूँगी। ये बहुत ही सिंपल, इजी एंड बेस्ट अफोर्डेबल हैक है। आपको अलग से ब्रॉन्जर या कॉन्टर परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे मैं फ्लफी ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। नेक्स्ट मैं उसे पैलेट से ये हाइलाइटिंग शेड लूँगी और अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। तो मैंने हाइलाइटर के भी पैसे बचा लिए, मैंने एक ही पैलेट को बहुत तरीके से यूज़ किया। आप भी ये हैक ट्राई करके अपने पैसे बचा सकते हो। यहाँ मैं मेकअप फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का मेकअप फिक्सर। बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा मेकअप फिक्सर है, और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से करना है। तो ये हो गया है मेरा मेकअप कंप्लीट, बहुत ही ग्लोई लग रहा है। अब आप देखिए मेरा फाइनल लुक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना।
वॉचिंग वीडियो, बाय।